बिहार से मिल रहे। बिहार के छपरा में दो पक्षों में झड़प हुई है। झड़प में चार लोगों के घायल होने की खबर है। दुर्गा विसर्जन के दौरान इलाके में तनाव हुआ। हालात फिलहाल काबू में है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। तो वहीं एसपी ने इलाके में फ्लैग मार्च भी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से। बिहार के छपरा में दो पक्षों में झड़प हो गई और उसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्थिति काफी तनावपूर्ण बन गई है। जब ये झड़प हुई तो चार लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। दरअसल दुर्गा विसर्जन के दौरान इलाके में तनाव बढ़ा है। टाइम्स ऑफ भारत पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इलाके में कर दी गई है। जानकारी यह लेटेस्ट कि हालात काबू में है। और इतना ही नहीं, एसपी ने इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला है कि शांति बनी रहे, किसी तरह का जो माहौल है वो खराब ना हो। दुर्गा विसर्जन के दौरान इलाके में पूरा तनाव बना, जिसके बाद स्थिति वहां पर थोड़ी सी चिंताजनक बढ़ गई थी। और ज्यादा माहौल खराब ना हो, किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, तो देखिए किस तरीके से बकायदा एसपी की तरफ से फ्लैग मार्च तो निकाला ही गया है। लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है। बिहार के छपरा की पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झड़प में चार लोगों के भी घायल होने की खबर सामने आई। टाइम्स ऑफ भारत पर ये देखिए किस तरीके से जब स्थिति खराब हुई उस वक्त की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पथराव क्या क्या नारेबाजी की गई, लेकिन उसके बाद हालात पर नियंत्रण कर लिया गया।